जानिए बिहार में किसकी कितनी आबादी। बीते 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिसके बाद ये साफ हो चुका है कि बिहार की आबादी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 36% आबादी के साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सबसे अधिक है। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बिहार में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़े बीते सोमवार को प्रकाशित कर दिए गए हैं, जिसमें SC ST और OBC की आबादी राज्य की कुल आबादी का लगभग 84% हिस्सा है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की कुल आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें ओबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 36% आबादी ओबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, जबकि पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12% है। वहीं राज्य में SC यानी अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%, द्विजों की आबादी 15.52% और अनुसूचित जनजातियों की आबादी 1.68% है। अगर जातिगत आंकड़े देखें तो राज्य में 14% आबादी के साथ सबसे अधिक यादवों की संख्या है। इसके अलावा 5.25% रविदास, 4.21% कुशवाहा, 3.65% ब्राह्मण, 3.45% राजपूत और 2.86% भूमिहारों की आबादी है। इसके अलावा 3% मुसहर, 2.78% कुर्मी और 2.18% तेली है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में अत्यंत पिछड़े वर्ग से जुड़ी जातियों की आबादी सबसे अधिक है, जो राज्य की कुल आबादी का 36% हिस्सा है। बताते चले कि अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी EBC में बिहार में कुल 113 जातियां शामिल है। इनमें केवट, कानू, चंद्रवंशी, कहार, धानुक, नोनिया, नाय और मल्लाह जैसी जातियां भी शामिल है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर होने के साथ साथ इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी काफी कम है। देश और राज्य के हर क्षेत्र में SC ST और OBC समुदायों की हिस्सेदारी उनकी आबादी के अनुपात में नहीं है। यहाँ तक कि खुद को पिछड़े वर्गों की पार्टी बताने वाली भाजपा की केंद्र सरकार के 90 सचिवों में मात्र 3 OBC सचिव हैं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।